अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पंजाब न्यूज़ से आपका होस्ट खुर्रम शहज़ाद आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, इस टाइम इतना नफरा नफरी का दौर है, शोबिज़ का दौर है, हर कोई टिकटॉक बनाता है, हर कोई शोबिज़ में आने की कोशिश करता है और यही चाहता है कि उसको एक अच्छा फ्रेम मिले। लेकिन जितने भी टिकटॉकर्स होते हैं उन्हें अगर किसी प्लेटफॉर्म पर बुलाया जाता है, एज ए गेस्ट भी बुलाया जाता है, तो जब वो उधर आते हैं तो बड़ी मायूसी का सामना करना पड़ता है क्योंकि उनके मेयार के मुताबिक वहाँ पर सेटअप नहीं होता। हमारे साथ कुछ टिकटॉकर्स मौजूद हैं, कुछ अच्छी पर्सनैलिटी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि वो आज एक फंक्शन पे आए लेकिन उधर बहुत ज़्यादा उनकी दिल आज़ारी, उनसे बात करते हैं कि इतना बड़ा नाम हो गया, जब उन्हें इन्विटेशन दिया जाता है, जब वो आते हैं तो इधर आके वो कैसा फील करते हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। पहले तो ये बताएं कि गार्ड्स की ज़रूरत है? ये हमारे पर्सनल गार्ड्स हैं। जी जी, क्या ज़रूरत पड़ती है? बस वैसे ही हम लोगों ने सिक्योरिटी के लिए रखे हुए हैं अपने गार्ड्स। अच्छा, मोमन ये भी होता है ना, कुछ शोबिज़ की पर्सनैलिटीज होती हैं, वो कहती हैं गार्ड्स हम इसलिए रखते हैं कि ताकि थोड़ा सा टैका बन जाए। नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी मैं एक शो में था, वहाँ मैंने आपको देखा था कि वहाँ आपको इन्वाइट किया गया लेकिन वहाँ पर आपकी उस तरह से जो है पब्लिसिटी नहीं मिली, ऐसा क्यों? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, प्रोटोकॉल तो उन्होंने दिया था, बस हम खुद ही कोई काम था, हम इस पर से वहाँ से निकल आए। तो इसके अलावा शोबिज़ के अलावा क्या करते हैं? हम लोग टिकटॉक्स वगैरह बनाते हैं, उसके अलावा मेरा ज्वेलरी का काम है, गोल्ड का काम है मेरा। तो इंस्पायर किससे हैं? काशिफ समीर से, वो तो आपको पता है थोड़ा सा आप। नहीं नहीं, काशिफ भाई हमारे भाई हैं यार। नहीं, मैंने काशिफ सवाल किया था कि मेरे कहा असली निकलिए, कहते हैं अब आपको क्या पता, मैं क्या, हमें तो पता है। नहीं नहीं नहीं, सारा कुछ रियल है, सारा कुछ रियल है। तो लेकिन इन्होंने ओरिजिनल होने के बावजूद भी इनकी अपनी ज्वेलर्स की दुकान है, लेकिन फिर भी इन्होंने ये देखे, थोड़ा सा हाथ ऊपर कीजिएगा, ये देखें, फिर भी इन्होंने बहुत ही कम पहना हुआ है। लेकिन काशिफ समीर साहब ने तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा पहने होते हैं, पता नहीं वो पब्लिसिटी करते हैं या जिदी राना की तरह होते हैं, लेकिन इन्होंने बहुत कम पहना है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि टिकटॉकर ना होते, टिकटॉक ना करते तो क्या करते? टिकटॉक ना करते तो पहले हम जैसे पिक्चर्स वगैरह खींच लेते थे, बस वही। ये फ्रेम जो मिला अभी टिकटॉक से, ये आपको एज ए कॉर्ड साथ रखने से या प्रोटोकॉल की वजह से मिला? मे भी कोई तो ये कहता है, कोई कुछ और कहता है, अब सबकी अपनी अपनी सोच है, सबको क्या। अमूमन मेरे अंदाजे में एक होता है कि जब हमारा कोई साथ दोस्त हो या हमारा हम सफर साथ होता है या जिस चीज़ को हम बेस्ट कहते हैं, बेस्ट ही होता है, उसकी वजह से हमें कुदरती तौर पर जो है ना एक पॉइंट मिल जाता है अल्लाह तआला से, ऐसा है? जी जी बिल्कुल, ऐसा भी है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यार आपके साथ गार्ड्स होते हैं, इस वजह से आपकी वीडियो वायरल हो जाती है। कोई कोई कमेंट करता है, कोई कुछ कमेंट करता है, सबके अपने अपने कमेंट्स हैं। गार्ड थकते नहीं है कभी? गार्ड्स बहुत थकते हैं, और ये भी मैं सामने मैं फील कर रहा था कि गार्ड्स कंफर्टेबल नहीं है, मैं इस वजह से वहाँ से निकल आया हूँ। अमूमन होता है जब घर से बाहर निकलते हो तो घर वाले कुछ एक गार्ड तो वो दे देते हैं आपको, ये सब बेजार नहीं हुए या हर टाइम गार्ड ही साथ? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। नाज़रीन, हमारे साथ एक और टिकटॉकर्स मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि उनसे पता करते हैं कि एक लड़की के साथ जब गार्ड्स होते हैं तो उन्हें कैसा फील होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? अल्लाह का करम। अच्छा, मुझे ये बताएं, चलो एज ए उनकी तो ज्वेलरी की दुकान, उनको तो गार्ड बनता ही बनता है, ठीक है, तो आपने? मैं इनकी वाइफ हूँ। अच्छा अच्छा, यानी कि आपकी हम सफ़र है, तो उनकी नस्बत, यानी कि आप चाहते हैं कि उनकी नस्बत आपको पॉपुलैरिटी ज़्यादा मिली? हाँ जी, ये भी कह सकते हैं वैसे, लेकिन कुछ ज़्यादा लोग यही कहते हैं कि आपके साथ गार्ड होते हैं इस वजह से आपकी वीडियो वायरल होती है। अच्छा मैम, ये बताइएगा, ये होता है कि हर कामयाब शख्स के पीछे एक औरत का हाथ होता है? हाँ ऐसा भी है। ये भी सुनने में आया कि जो औरत होती है, औरत जो होती है ना, काम मर्दों के पीछे नहीं जाती? नहीं ऐसा नहीं है, हर इंसान का अपना नसीब होता है। शोबी से हटकर कैसे जीवन साथी? बहुत अच्छे हैं, घर बार ठीक है? जी बहुत केयरिंग है, बहुत अच्छे हैं, बहुत बहुत ख्याल रखते हैं। क्या कहते हैं कि शोबी से हटकर अगर कोई वाइफ होती है, घरेलू होती है, उन्हें घर में आजकल लोग आपको बताते हैं घर में ही रखते हैं, जी बाहर नहीं निकलना, लेकिन आप अपनी वाइफ के साथ कदम ब कदम साथ चलते हैं तो कैसा फील करते हैं? बहुत अच्छा फील होता है। काफ़ी लोग होते हैं जो घरेलू ज़िंदगी गुजारते हैं, कुछ लोग होते हैं जो नहीं अच्छा समझते, लेकिन अब सोशल मीडिया का दौर है तो ये भी टिकटॉकर है, मैं भी टिकटॉकर हूँ, कोई ऐसा मसला नहीं। मैम आजकल ओवुलेशन पे बहुत ज़्यादा प्रोग्राम हो रहे हैं, तो क्या कहते हैं ओवुलेशन के लिए लाजमी तो नहीं हर लड़की गार्ड अफोर्ड कर सकती है, उसके लिए क्या करना चाहिए? एक तो ये कि अगर हमारे गन में इसका वो क्या उसको बोलते हैं, अगर हमारे साथ वेपन्स हैं तो वो तो कहीं भी नहीं लाओ, वो उसके लिए टिकटॉक पे तो वायलेशन आ जाता है। उसके अलावा से हम बाहर भी अगर निकलते हैं तो जगह जगह हमको जो है ना इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा सख्ती की हुई है कि साथ उनके वेपन्स ना हो, ठीक है। अक्सर लोग हमें टिकटॉक पे ये कमेंट्स भी करते हैं कि गार्ड्स रखे हुए हैं, वेपन्स तो हैं नहीं, तो उनके लिए ये जवाब है कि हम लोग के पास, इनके पास वेपन्स हैं लेकिन हम लोग खुद उनको वेपन्स अलाउ नहीं करते क्योंकि हमारी वीडियोज़ जो है ना वायलेशन पर चली जाती हैं, इसलिए। तो आप क्या कहते हैं कि जब आप दोनों बाहर निकलते हैं कभी ऐसा होता है कि किसी मुश्किल का सामना करना पड़ता है?
नहीं 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 ज्यादातर कोई ऐसा मसला नहीं है। क्योंकि मोहन होता है आपको पता है जैसे प्रोग्राम में आप जाते हैं तो लड़के इतनी सारे सेल्फीज के लिए बड़ा भागते हैं, तो उस टाइम जो है ना बड़ा मुश्किल बन जाता है कवर करने के लिए, क्योंकि वहाँ में फैन है आपकी, किसी को रोक भी नहीं सकते। कभी ऐसा प्रॉब्लम हुआ है कि एज ए वाइफ हम सफर के लिए किसी ने किया तो आपने उसे रोक दिया? नहीं अभी वो ये है ना साथ, वो खुद ही रोक लेते हैं, हमें जरूरत ही नहीं है कुछ करने की। नहीं जी, अल्लाह ताला आप दोनों को ऐसे ही कामयाब रखे। नाज़रीन, लाजमी नहीं होता कि गार्ड्स जो होते हैं वो सिर्फ पॉपुलैरिटी के लिए होते हैं, गार्ड्स इसलिए भी होते हैं कि एक वूमेन जितनी भी वायलेशन जितनी आजकल हो रही है लोगों में, तो उसके लिए भी होता है। हस्बैंड वाइफ हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं, एक दूसरे के साथ चलते हैं, अल्लाह ताला इन्हें ऐसे ही कामयाब रखे। और ये मशहूर जो है सिर्फ टिकटॉक की वजह से नहीं हुए, ये अपने पर्सनैलिटी से हुए, अपने बोल चाल के तरीके से हुए। जब हम इनके पास आए इंटरव्यू के लिए तो इन्होंने बहुत ही शाइस्ती से हमें कहा जी कि आप हम आपको इंटरव्यू दें, लेकिन अमूमन ऐसा होता है कि कोई इंटरव्यू नहीं देता। हम इनके बहुत शुक्रगुजार हैं, इन्होंने हमें टाइम दिया, थैंक यू सो मच सर। यू वेलकम। हमारा ये फर्स्ट इंटरव्यू नहीं है, हमने बहुत इंटरव्यूज दिए हैं, हमें कोई भी इंटरव्यू के लिए कहता है हम उसे मना नहीं करते। अमूमन ऐसा होता है कि टाइम नहीं है, टिकटॉक नहीं, 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 आप देख लें यूट्यूब पे, आप मेरा नेम सर्च करें फाइकली, वो आपको सारे इंटरव्यूज नजर आ जाएंगे। इसमें बुला करता क्योंकि कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने हमें बहुत कहा कि हमने इंटरव्यू लेना है लेना, फिर हमने उनको ऑफिस में टाइम देकर स्पेशल सिक्योरिटी के ऑफिस में अपनी। एक आखिरी सवाल इनसे ये कि जब इंसान टिकटॉकर बन जाता है तो थोड़ा सा गुरूर आ जाता है? नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और जो गुरूर करते हैं वो फिर आगे जाके उनके अकाउंट भी रुक जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है गुरूर की। जो टिकटॉकर्स वो ज़्यादातर इस वजह से तंग आते हैं कि कुछ लोग ना बहुत ज़्यादा तंग करना शुरू हो जाते हैं, तो ये मैं लोगों को कहूँगा कि यार ये करना भी नहीं चाहिए किसी के साथ कि आप उसको गाड़ी पर वो कहीं जा रहा है तो आप रोड पर आ गए खड़े हो जाओ। आपने एक वीडियो देखी होगी, जुल्कर नैन ने बाकायदा वीडियो लगाई थी यूट्यूब पे, वो गाड़ी पे कहीं जा रहा था अपनी वाइफ के साथ, आगे आके लड़का खड़ा हो गया गाड़ी के आगे कि मैंने पिक्चर लेनी है, फिर आप यहाँ से आगे जाओगे। तो ये चीज तो फर्स्ट ऑफ ऑल यही है कि सबसे पहले देखा जाए कि अगर फैमिली साथ है, चाहे वो टिकटॉकर्स है, उसका ख्याल रखना। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया, थैंक यू सो मच। यू वेलकम।